दिनांक 27 मार्च 2022 को बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल जीवछघाट दरभंगा का उद्घाटन गांधीवादी चिंतक भूतपूर्व सांसद कुलपति पद्मश्री रामजी के कर कमलों द्वारा माननीय मंत्री महोदय श्री मदन सैनी के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। मंत्री महोदय श्री मदन सैनी के मुख्य अतिथि में संपन्न समारोह में फीता काट कर संपन्न हुआ। स्वागत भाषण में संध्या के निर्देशित डॉक्टर सुषमा कुमारी उपस्थित अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के चौमुखी विकास में कोई भी कमी नहीं रखेगा। मैं आपको बता दूं कि बिरला ओपन माइंड की जर्नी शुरू हुई थी ये तकरीबन 10 साल पहले हुई थी और हमारा जो पहला स्कूल था वो बिहार से ही था और आज हमें बहुत खुशी होती है कि मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा स्कूल हमारे बिहार में हमारे सारे स्कूलों में एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था जो नासा इसरो तक गया था और प्रधानमंत्री से भी मिला था और वो बच्चा कहीं और का नहीं बिहार का था। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोग का, आपसे सिर्फ आपका प्यार मांगता हूँ स्कूल के लिए। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे करिकुलम हम लोग बनाए हैं, डॉक्टर सुषमा कुमारी, मैं आप सबों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित परमश्री आदरणीय श्री प्रोफेसर रामजी सिंह, सुप्रसिद्ध गांधी विचारक, जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ। माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, जो समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार में हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। हमारे नगर विधायक माननीय श्री संजय सरावगी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर एस के सिंह, जो हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। क्रिकेट कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से और इस विद्यालय की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। लगातार हम लोग 2 घंटे से इस मंच पर विराजमान जितने हमारे विद्वान वक्ता थे, उनके विचार से हम लोग अवगत हुए हैं। वैसे तो लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम में, खास करके विद्यालय के भी ओपनिंग में या एनुअल सेरेमनी में जाने का अवसर मिलता है, एक से एक विद्वान उपस्थित होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्षों के बाद पहली बार एक साथ इतने विद्वान के साथ किसी समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। मैं इसके लिए इस विद्यालय के जो भी संचालक हैं उन सभी को हम लोग अपनी ओर से धन्यवाद करेंगे कि आपने इस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में आने का अवसर दिया और इनके बीच में बैठ करके इनके विचारों को जानने का भी मौका दिया। हम लोग इस बात के लिए भी आपका स्वागत करेंगे कि दरभंगा जिला कई क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दरभंगा जिला का अपना पुराना इतिहास रहा है, जिस विद्वता का चर्चा सभी विद्वान जन कर रहे थे वो तो हम समझते हैं आदिकाल से, जिसको हम सब ने अभी सुना, हम सब के आदरणीय, हम सब के सम्मानी पूर्व कुलपति, अभूतपूर्व सांसद
आदरणीय प्रोफेसर रामजी सिंह साहब, पिछेर के COO आदरणीय यथार्थ गौतम जी, मिथिला की इस धरती पर मिथिला के आंदोलन को जगाने वाले, उसकी अलग को चलाने वाले हम सब के आदरणीय बैजू बाबू बैजनाथ चौधरी जी, हमारे मित्र आदरणीय प्रोफेसर आनंद जी और मंच पर उपस्थित विदुषी मंजूजी सिंह जी, अन्य सभी साथी मंच पर उपस्थित और मंच के बाद सामने सभी मिथिलावासी, सभी विद्वान साथी, सभी नागरिक भाई बहन, करीब आज के 20 वर्ष 22 वर्ष पहले इंडिया टुडे मैगजीन निकलती है, आप सबके होंगे उससे, इंडिया टुडे ने भारत में एक सर्वे किया और वो सर्वे 10 बड़े टाउन्स का सर्वे किया उन्होंने, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, 10 बड़े शहरों का सर्वे किया और वो सर्वे ये जानने के लिए था कि ऐसे कौन से 10 इंडिकेटर बनते हैं जो ये बता सके कि इस आदमी का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। ऐसे 10 इंडेक्स उन्होंने तलाशे और उस 10 इंडेक्स की जब उन्होंने मेरिट सर्वे किया तो हम सभी इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि बड़े आदमी बनने के लिए अच्छा बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़ी बहुत अच्छी गाड़ियों का काफिला होना चाहिए, फार्म हाउसेज होने चाहिए, बहुत सारे धन दौलत के बैंक का बैलेंस होना चाहिए, पता नहीं ऐसे 10 इंडेक्स उन्होंने इकट्ठा किया। हमारा समय हो गया है, लेकिन एक हमने सोचा कि इस अवस्था में भी जाकर ये यहाँ राजा जनक की याज्ञवर्ग की इनकी भूमि को प्रणाम करते जाएं और सचमुच में भारत इसीलिए भारत है, नहीं है कि यहाँ राजा बहुत सारे हुए और प्रजा बहुत सारी हुई, बल्कि इसीलिए यहाँ भगवान राम की जो हैं हमारे, जानते हैं कि सबसे अधिक जो हमारे हृदय में होता है कोई यहाँ के प्रति, इस धरती के प्रति, वह याज्ञवल्क्य की भूमि से होता है, उसको सोचना पड़े। मिथिलाया और महाराज जनक तो है ही, अब याज्ञवल्क्य और जनक इसके अतिरिक्त से कोई चीज की आवश्यकता नहीं, विश्व का मार्गदर्शन हो सकता है इन दोनों के द्वारा, हमारा आपका क्या है। ये मैं आपसे ये कहूँ कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दहयति कश्चन, मिथिलायाम समृद्धायाम नमे इध्यति कश्चन। मिथिला कितना और उसका दर्शन जिसको कहते हैं कि हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी बताया गया है, तो सोचिए कि आज दौलत की जो मांग है वो कितने लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, और केवल कुछ लोग ही नहीं, दुनिया की सारी जनता को अगर आप देखें आज विश्व इसलिए कराह रहा है। वहाँ यूरोप में आप जानते हैं डॉक्टर सुषमा कुमारी जी, मंच पर उपस्थित मिथिला विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य और मिथिला मैथिली के लिए पूरे देश और जाने माने एक चेहरे आदरणीय बैजनाथ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर आनंद सिंह जी, मंजू रानी जी, डॉक्टर मिथिलेश जी और उपस्थित बिरला के COO यथार्थ गौतम जी, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण और मंच के सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ, साथ ही उनके प्रति कृतज्ञता और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा शिक्षण संस्थान
दरभंगा के इस जीवज घाट में खोला है। बिरला नाम ही गुणवत्ता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, एक ऐसा नाम है वह नाम ही लोगों को प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से यहाँ बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल खोला गया है, यहाँ के लोगों को शिक्षा दीक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार मूलक